शर्म करो, भगवान से डरो, भेसड़ी वालो, भगवान से डरो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो फिलहाल ना मेरा क्राउन 3 लग चुका है, बाकी आप लोग का रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी यार गेम प्ले से पहले ना अपन अपने आरपी के गिवे के बारे में बात कर लेते हैं। एंड अ बिग शाउट आउट टू एसटूडी एक्टिव भाई, जिन्होंने अपने को टोटल 82,000 पॉपुलैरिटी सेंड किए, और या इन्होंने ऐसा नहीं कि नॉर्मल वाली पॉपुलैरिटी सेंड किए, इन्होंने टोटल अपने को 15 से 16 कार्स भेजिए यूसी से, एंड एक प्लेन भी भेजा है। सो यार बिग शाउट आउट टू यू। एंड यार अपन अपने आरपी के गिवअवे के विनर्स को यार पहले यूसी भेज देते, पहले तो नंबर 2 वाले बंदे को भेजते एंड उसके बाद नंबर 3 वाले बंदे को भेजेंगे। अब यार नंबर 2 पे एंड नंबर 3 पे जो बंदा था उन दोनों को तो आरपी भेज दिए, लेकिन नंबर 4 एंड नंबर 5 वालों ने अपने आरपी हाइड कर रखी। सो अगर कल तक इन्होंने अपना आरपी अनहाइड नहीं किया ना, तो मैं सीधा नंबर 7 को आरपी दे दूंगा। बाकी देखो ये वाली गेम की बात करें, जोन जो था वो इधर मिलिट्री साइड बना हुआ था, अभी मैं जस्ट ऊपर की साइड से टीडीएम खेल के यहाँ पर ब्रिज की तरफ आया था, और अभी इधर मेरे को सामने की साइड एक बंदा दिख जाता है। और यार जैसे इसका हेड दिखता है आराम से इसको किल कर देते। बाकी इसका नाम याद रख लेना MR, और इसका जो नेम का स्टाइल है ना वो भी याद रख लेना आगे जाके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा। बाकी देखो अभी अभी के लिए इधर ब्रिज जो था वो इधर क्लियर हो चुका था, तो मैं सोचा कि चलो अभी अपन यहाँ पे ब्रिज कैंप कर सकते हैं। अभी के लिए यार ब्रिज पे आके मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था, और यार अभी भी यार सामने की साइड से कोई भी बंदा नहीं आ रहा था। फिलहाल के लिए मेरे को सामने की साइड एक बग्गी दिख जाती, अभी इधर जोन भी आने वाला था, सो वो वाले बंदे को भी इधर जोन के अंदर निकलना था, और अभी बंदा जो था वो इधर जोन की तरफ निकल जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या सीन होता है वो देखना। अब बंदा इधर सामने की साइड आके रुक चुका था, मेरे को पता था कि उसको जोन के अंदर आना है, तो इसमें मैं हार्ड पीक लेके बैठा था, लेकिन बंदा जो था वो इधर अचानक से जंप करने लगता है। मैं समझ गया था यार बंदा जो था ना उसको जोन के अंदर आना है, इसीलिए ये कर रहा है, और इसका नाम भी देखोगे ना तो पिछले वाले बंदे जैसे ही है, तो मैं समझ गया था कि यार शायद से ये दोनों बंदों का इधर टीम अप हो सकता है। और यार वो वाले बंदे को मार के जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था ना, पीछे की साइड एक बंदा ऑलरेडी मेरा कैंप लगा के बैठा था, जैसे जैसे यार इधर मैं बच के निकल जाता हूँ। अभी अगर मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट नहीं होता ना, डेफिनेटली अपना गेम यहीं के ही खत्म था। बाकी अभी इधर जोन आने में टाइम था, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक के हील वील कर लेता, और उसके बाद जोन की तरफ निकल लेते यहाँ से अपन। अब यार उधर हील लगा के जैसे इधर से जोन की तरफ निकल रहा था, वही वाला बंदा मेरे को वापस से दिख जाता। मैं सोचा कि इस बार इसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये वाले बंदे ने वापस से मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया था। बाकी वो वाला बंदा इधर जोन के बाहर था, सो जैसे जैसे वो वाले बंदे को अपन मार देते। बाकी अभी के लिए इधर हील वील थोड़े लगा देते। अभी के लिए यार इधर जोन काफ़ी छोटा हो चुका था, मेरे को बस इधर जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने के लिए चाहिए थी, लेकिन यार जैसे ये वाले कंपाउंड पे आता हूँ ना, यहाँ पे अचानक से मेरे को सरप्राइज मिल जाता है। जैसे जैसे ये वाले बंदे को किल करता है, उसके बाद यहाँ पे एक और बग्गी वाला बंदा आ जाता है, उसको भी आराम से किल करते, उसके बाद थोड़ी बहुत लूट वूट करते यहाँ पे।
अब ये यहाँ पे मैं हील वेल करके ना थोड़ा स्मोक वो करके लूटने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसी टाइम पे मेरे को पीछे साइड एक बंदा दिख जाता है। अब ये वाले बंदे को मैं इधर एक ओम का शॉट मारता हूँ। पहले तो इधर एकदम परफेक्ट हेड गया था, लेकिन शायद से बंदा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए ये वाला बंदा इधर बच जाता है। बाकी एक हेड लगता है एंड इसका गेम ओवर था। बाकी फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत लूट करके यहाँ से निकलते अपन। अब ये हील विल करके ना मैं ये वाले बंदे पे सीधा आता हूँ, लेकिन बंदा जो था वो एकदम ही तगड़ा था, मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज दे देता है। इधर सबसे पहले तो मैं कंपाउंड पे आके हील विल मारता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे क्या सीन होता है, अभी सामने वाले कंपाउंड पे एक बंदा था जो कि यार सामने वाला दूसरा बंदा इधर मार देता है। अभी इधर बस 1v1 की फाइट थी, लेकिन बंदा जो था ना वो इधर एकदम ही टफ कॉम्पिटिशन दे रहा था इधर। सो अभी इधर मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि शायद से चिकन हाथ से चला ना जाए, लेकिन अभी ये वाली सिचुएशन को अपन किस तरह से अपने फेवर में लाते हैं ना वो देखना। अब यार सामने वाले बंदे की मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वाला बंदा वहीं से फुटस्टेप दे रहा था। दो नेट भर थे, पहले नेट से डैमेज हुआ और दूसरे नेट से भाई बंदा ही पूरा भर देते अपन। बाकी वो वाले गेम में अपने को 28 का प्लस मिल जाता है। बाकी बढ़ते अपने दूसरे गेम की तरफ। तो देखो जोन जो था ना वो इधर यासना की साइड बना हुआ था। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा हुआ था, सो मैं ड्रॉप लूटने आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी वैसे तो कुछ लूट चाहिए थी नहीं, लेकिन मेरे को लेवल 3 के हेलमेट वेस्ट और बैग चाहिए था। सो मैं ये वाले बंदे को ये वाला ड्रॉप लूटने आ जाता हूँ। बाकी अभी के लिए यार ड्रॉप लूट के ना अपन यासना सिटी में आते हो, लेकिन जैसे मैं यासना में पहुंचता हूँ सामने की साइड यार एक बंदा इधर फ्री फायर देता है। अब ये वाला बंदा जैसे इधर मेरे को प्री फायर देता था, मैं सोचा कि ये वाले बंदे को इधर नेट से भरने का ट्राई करते, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे पहुँचता ना मेरे को पता चलता है कि बंदे ना इधर दिमाग लाके पूरा का पूरा एक दरवाज़ा ही ब्लॉक कर दिया। अभी ये वाले बंदे पे मैं इधर सीधा तो नहीं चढ़ सकता था, काफ़ी देर तक ये वाले बंदे पे मैं नेट्स भी ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो था ना वो इधर बचते रहता है। और यार अभी के लिए मेरे नेट्स भी खत्म हो चुके थे, तो मैं सोचा कि ये वाले बंदे को कुछ अलग एंगल से मारने का ट्राई करते अपन। तो आ जाते मैं सीधा ये वाली बड़ी वाली बिल्डिंग पे। अब गाइस यहाँ पे आके मेरे को बंदे पे एंगल तो मिलता है, लेकिन मैं गोली चलाने में कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर देता हूँ और इसी वजह से शॉट जो था ना वो इधर मिस हो जाता है। अभी बंदा जो था वो बच के कवर में चला जा चुका था और अभी जोन भी आने वाला था, तो मैं सोचा कि चलो बग्गी लेके यहाँ से निकल लेते, लेकिन जैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ स्क्वाड हाउस पे यार मेरे को एक बंदा दिखता है, तो मैं सोचा कि अभी तो यार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, वो वाला बंदा इधर उतरेगा नहीं तो यार अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मैं जितना जल्दी हो सके ना ये वाले बंदे पे इधर पुश कर देता हूँ। ये वाले बंदे को जैसे इधर पुश करता हूँ दोनों बंदे इधर मेरे पे चढ़ जाते, ये बंदे को फिलहाल के लिए अपन आराम से किल कर देते, लेकिन सामने वाला बंदा अभी भी जोन के बाहर था। थोड़ी देर अपन यहाँ पे होल्ड करते और उसके बाद बंदा जो था ना वो इधर पीछे की साइड चला जाता है, तो अभी अपन भी यहाँ से जोन की तरफ निकल लेते। और यार वहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अभी मैं इधर जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने के लिए ढूंढ रहा था कि मेरे को ये वाला कंपाउंड मिल जाते, अभी यहाँ पे बंदा भी था तो ये वाले बंदे को आराम से किल कर देते। बाकी अभी इधर टोटल 5 बंदे अलाए थे मेरे को मिला के, सो अभी भी इधर थोड़े बहुत किल्स बचे थे। सो मैं सोचा कि चलो जितने भी बंदे बचे ना उन सबको मारने का ट्राई करूँगा मैं। सो अभी यहाँ पे ज़्यादा देर में रुकता हूँ नहीं, ये वाले बंदे को किल करके ना यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में।
अभी के लिए यार बंदों की तलाश में ना मैं इधर एच टू एच ही घूम रहा था, क्योंकि एच पे ही ज्यादा बंदे मिलते हैं लास्ट जोन में। बाकी ये वाले बंदे को मारने के लिए ना मैं कुछ ज्यादा जल्दी कूद जाता और मेरी आधी हेल्थ खत्म हो जाती, लेकिन जैसे तैसे ये वाली सिचुएशन को अपन हैंडल कर लेते। बाकी अभी के लिए मेरे को छोड़ के दो और बंदे बचे थे, सो मैं इधर हील वील मार के ना सीधा बंदों की तलाश में यहाँ से निकलता हूँ। अब यार जैसी बग्गी लेके मैं वहाँ से निकलता हूँ ना, तो ऊपर की साइड से एक बंदा रहता है जो कि मेरे पे स्प्रे लेता है। अभी ये वाले बंदे के स्प्रे से तो मैं बच जाता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज होता है, लेकिन वही वाला बंदा इधर मेरा पीछा भी कर रहा होता है। सो अभी इधर मैं ओपन में तो नहीं रुक सकता था, सो मैं बग्गी लेके यार वापस से कवर में आ जाता हूँ। अब यार काफी देर इधर होल्ड करने के बाद ना अब इधर सामने साइड में को ओपन में एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है। फोवाल बंदे को मैं इधर ओम से मारने का ट्राई करता हूँ, एक बॉडी लगता है उसको, लेकिन ये वाला बंदा इसको मार देता है और अभी ये बंदा भी इधर जंप करने लगता है। थोड़ी देर इससे बात करते हैं एंड एट द एंड यार ये वाले बंदे के साथ मैं पैन फाइट करता हूँ। बाकी यार ये वाली पेन फाइट अपन आराम से निकाल लेते हैं, ये गेम में अपने को 19 का प्लस मिल जाता है एंड इसी के साथ ही ये गेम के साथ ही अपन क्राउन 3 पे पहुंच चुके थे। सो बस ऐसे आज के गेम पे अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कैसे भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज़्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।